ये है एक्टिवा 125 जो कि अराउंड 1500 हंड्रेड चली है पंद्रह किलोमीटर के आसपास चली है इसके टायर ना बहुत छोटे लगे मुझे सो so, लाइक like, मैं कभी कभार अभी तो कहर नहीं बट यूजली 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर के आसपास का रन करता हूँ ये टायर मैंने डलवाना है इसमें जो कि एंटॉर्क का टायर है मैक्सिमम साइज़ है 110 वाला जो मैंने डलवाया हुआ है तो इसमें क्या है कि ये गड्ढों में ना पूरा बैठ जाता है टायर आगे और पीछे दोनों के बहुत छोटे और पतले टायर हैं क्यों ना मैंने सोचा क्यों ना यू नो इसके टायर जितना बड़ा साइज़ हो सकता है करवाएं तो हम वही करवाने गए थे करोल बाग ये एम का टायर है लोग बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स हैं मैं नाम नहीं लूँगा जिसका टायर डलवाते हैं अपनी स्कूटी में बट मैंने सोचा आप एम आर से ही स्टिक करते हैं तो ये एंटॉर्क में जैसे मैंने आपको बताया टायर साइज़ आता है वो पीछे सोप वाटर लगा रहे हैं ताकि वो टायर आराम से निकल आए उस पर से और जैसे ही वो टायर निकलेगा उसके बाद इसकी फ़िटिंग करेंगे मैं आपको फिटिंग करके दिखाता हूँ आई मीन जब फिटिंग होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड रुको इसकी मैनुफैक्चरिंग डेट देखना बहुत ज़रूरी है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैनुफेक्चरिंग डेट है थर्टी सिक्स ट्वेंटी टू है मतलब छत्तीसवें हफ्ता और दो हज़ार बाईस का है विच इज़ लाइक फाइन बिकॉज ये छः महीने आई थिंक पुरानी वीडियो अब हमने वो एलोए उसको वहाँ से निकाल लिया है पुराना टायर अलग कर लिया अब हम इसका नया टायर जो है ये एक सौ दस वाला ये देखो ये डिफरेंस है कितना बड़ा टायर है और जो कंपनी से आया था कितना पतला टायर प्लस अगे वाला टायर ना बहुत उसकी ग्रिप भी अच्छी नहीं लगी मुझे बहुत स्लिप मारता था मतलब हार्ड ब्रेकिंग पे तो मैंने सोचा इसका टायर चेंज कराना बहुत ही ज़रूरी है अगेन सोप वाटर अप्लाई करके हमने ये फ़िटिंग कर ली है अब फिटिंग करके अब हम देखो इसको स्कूटी के अंदर लगाएंगे देख लो आप कितना बड़ा लग रहा है मतलब ना ओवरऑल प्रोपोर्शन अगर आप देखो पूरा एलोय और टायर का कितना बड़ा लग रहा है अदरवाइज़ वो बहुत ही पतला लग रहा था राइट अब इसमें हवा भर रहे हैं और इसको फिट करेंगे ये इसका टायर प्रेशर चेक करेंगे जो भी मतलब थोड़ा सा टायर प्रेशर डिफरेंट होगा जो कंपनी रिकमेंडेड बिकॉज टायर बड़ा है ओके okay, ये देखो ये फिट एंड हो रहा है अंदर एंड इतनी बड़ी चंकी फील आ रही है ना अच्छा जब ये डल गया था टायर मैंने तब इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी मेरे को मतलब अदरवाइज टायर कहीं नहीं टकरा रहे अभी आप देखना यह देखना अभी टायर फिट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये कहीं पे भी टकरा नहीं रहा है टायर ना साइड में ना पीछे बट एक बहुत ही वियर्ड सी प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी ये वाला इसको आगे का टायर जो चेंज हुआ कितना बदला है तो जो मैंने इसकी ड्राइव ली थी उसमें एक तो स्टेयरिंग आई मीन जो हैंडल है वो काफ़ी हाई पोजीशन पे चला गया था तो पता चल रहा था कि हाँ बड़ा टायर डला है ठीक है अब ये देखो अब इसको घुमाएंगे आप देखना कहीं पे भी टच नहीं हो रहा है ना साइड्स में ना ऊपर ना बैक साइड दोनों एंड आई मीन तीनों चारों जगह इट्स परफेक्टली फाइन कोई दिक्कत नहीं आ रही है ये देखो घुमाया टायर देखो बहुत स्पेस है हर जगह बट लेकिन जब मैंने चलाया था तो मैं बता रहा था कि एक तो इसका जो हैंडल है काफ़ी हैवी हो गया था ठीक है और इसमें ब्रेकिंग में इशू आ रही थी गांधी टायर्स है करोल बाग में वहाँ से मैंने लगवाया ये ब्रेकिंग में इशू आ रही थी ब्रेक काम नहीं कर रही थी बड़ा टायर लगने के बाद तो फिर मेरे को वो टायर चेंज कराना पड़ा और फिर मैंने ये एक साइज़ छोटा डलवाया और ये जो छोटा साइज़ मैंने डलवाया ये है आपका आई थिंक वो 110 था ये 100 है और वो सक्सेसफुल नहीं था तो प्लीज़ अगर आप लोग 110 डलवाना चाह रहे हो साइज़ तो वो नहीं डलेगा 12 इंच वाले मतलब फ्रंट में तो ये वापस 100 नंबर डलवाया एक साइज़ छोटा आँड ये देखो कितनी बढ़िया फिटिंग आई हाँ है ये ब्रेकिंग भी परफेक्टली काम कर रही थी कोई फ़र्क नहीं फील हुआ और ग्रिपिंग तो खैर अच्छी हो ही गई थी अच्छा फिर मैंने सोचा कि यार अब मैं आगे पीछे का करा तो पीछे का भी चेंज करा दिया जाए बिकॉज पीछे वाले टायर में ना इसमें एक इशू आ रहा था कि जब भी मैं लाइक पचास साठ की स्पीड पे इसको कट मारता था तो मोड़ता था तो मैं जो स्कूटी में कॉन्फिडेंस नहीं आता था मतलब वो कटिंग अब ये वाला जो टायर एक सौ नंबर है ठीक है देखो कितना वाइड है राइट और इसकी वॉल्स साइड से छोटी हैं तो कटिंग मारने में ना इसमें मतलब लिटरली मैं बोल रहा हूँ जब मैंने डलवा लिया उसके बाद मैंने जब चलाया ना अमेजिंग बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था आगे भी परफेक्ट था और पीछे भी परफेक्ट था पूरी स्कूटी वाज लाइक मैक्सिमम डिग्री पे टिल्ट हो रही थी जिस भी तरफ को आपको मुड़ना है अब ये इसको फिट कर रहे हैं हम टायर को ये देखो इसकी वॉल्स कितनी छोटी है मतलब मोस्टली साइड वॉल्स पे भी मेजरली जो कवर्ड है वो टायर की ग्रिप ही है तो कटिंग बहुत ही अमेजिंग हो गई थी बहुत ही मज़ा आ गया था ये टायर डलवाने के बाद और ये भी एम का डलवाया मैंने दोनों टायर मेरे को अराउंड थर्टी फाइव हंड्रेड के आसपास पड़े थे और पुराने टायर मेरे मैंने दिए नहीं पुराने टायर मैंने रख लिए ये देखो आप क्या बढ़िया मोटी चंकी लुक आ रही है इसमें राइट और ये आगे का टायर है और पुराने टायर मैंने रख लिए वो जब स्कूटी बेचने तो या जो भी है देखते हैं उसका कहाँ यूज़ आता है बटन तो ये टायर आप परफेक्ट फिटिंग है जो आप अपने स्कूटी में करवा सकते हो मैं इसके टायर के साइजेस भी मेंशन कर दूंगा एक बार ठीक है चलो गाइस सी यू वीडियो बाय बाय